हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 से 4 स्टॉक के बारे में जो कि माइक्रो कैप है। दोस्तों आज हम माइक्रो कैप के बारे में बात करने वाले हैं। ये माइक्रो कैप, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और एक बात, मैं माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले एक बात ये है कि ये 50 से 60% गिरावट दिखाते हैं। जैसे कि अगर इंडेक्स नीचे आता है, थोड़ा भी मार्केट गिरता है, थोड़ी भी बैड न्यूज़ आती है, तो इन स्टॉक पे ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा गिरते हैं। ये 50 से 60% ये स्टॉक गिरावट दिखा सकते हैं कभी भी। तो दोस्तों ये कुछ मैंने अच्छे स्टॉक चुनकर लाया हूँ, अगर आप हो सके तो इन स्टॉक के बारे में स्टडी कर सकते हो। सो दोस्तों देख लेते हैं 3 से 4 स्टॉक के बारे में, इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस टाइप से ये मार्केट में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सो देख सकते हो दोस्तों, हम आ गए पहले स्टॉक के ऊपर। नाम है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। तो देख सकते हो दोस्तों 328 रुपये का अभी इसका प्राइस चल रहा है। अगर हम देखें इनकी हिस्ट्री, सो देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि माइक्रो कैप स्टॉक में ऐसी गिरावट हो सकती है, मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप। सो देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट दिखाया, 6 महीने में 12%। जनवरी से देख सकते हो दोस्तों 26% ये स्टॉक गिरा हुआ है। देख सकते हो जनवरी से अच्छी खासी गिरावट हुई है, 26% दोस्तों। अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा तो वो सोच रहा होगा कि मेरा पैसा अभी भी माइनस में चल रहा है। और हम बात करें एक साल में भी अच्छा खासा गिरावट दिखाया है, तो 10% का गिरावट है। सो माइक्रो कैप है दोस्तों, माइक्रो कैप में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। माइक्रो कैप और स्मॉल कैप इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट होती है दोस्तों, आप देख सकते हो। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको लंबे समय तक टिकना होगा। जैसे कि देख सकते हो आप 5 साल तो हुआ ही नहीं अभी कंपनी को, ये लिस्ट हुआ है 26 मार्च 2021 को ये लिस्ट हुआ था, तो वहाँ से देख सकते हो आप 74% का रिटर्न है। तो यही है दोस्तों, माइक्रो कैप में ऐसे ही रिटर्न मिलते हैं। थोड़ा लंबा जाना पड़ता है, थोड़ा लंबा सोचना पड़ता है, जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करोगे उतना अच्छा है। देख सकते हो मार्केट कैप कितना है, 8.63,000 करोड़, मतलब 8,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, 8.5 करोड़ का मान के चलेंगे। सो कंपनी ने हाई और लो देखो कितना लगाया हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पे भी एक बात हमें समझ में आ रही है, 628 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया हुआ था और लो देख सकते हो दोस्तों 274 का लो है 52 वीक का। तो यही होता है दोस्तों माइक्रो कैप कंपनी में, रिटर्न भी अच्छे बनते हैं और रिस्क भी अच्छा रहता है। अगर आपको रिटर्न भी चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। ये 2 R को साथ में लेके चलना पड़ता है दोस्तों, रिवॉर्ड और रिस्क, ये 2 चीज़ साथ में लेके चलना पड़ता है। एक तो पैसा बनेगा, एक तो डूबेगा, ये 2 चीज़ हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। सो अगर आपको इस पर इंटरेस्ट है तो आप इसका स्टडी कर सकते हो, स्टडी करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं कोई यहाँ रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ कि आप इसे जाके खरीदो, इसकी अच्छे से रिसर्च करना होता है दोस्तों। सो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड, मतलब टालब्रोस ऑटो, ये ऑटो इंडस्ट्री से है। कंपनी का प्राइस अभी 490 रुपये है। सो दोस्तों इस कंपनी के बारे में हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, वेरी वेरी रिस्की है दोस्तों। जितना रिस्क लगाना है लगा सकते हो दोस्तों, इतनी रिस्की ये कंपनी है, ऑटो इंडस्ट्री से है। 6 महीने में देख सकते हो 13% का रिटर्न दिया हुआ है। जनवरी से अगर बात करें तो 21% का रिटर्न दिया है, 1 जनवरी से बात करें तो 21% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर एक साल में बात करें तो दोस्तों एक साल में देख सकते हो आप 67% का रिटर्न दिया हुआ है। और 5 साल में बात करें तो दोस्तों 138% का रिटर्न दिया हुआ है। इसमें भी बहुत ही अच्छी गिरावट दिखाई है 5 साल में। सो देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम में कंपनी कब लिस्ट हुई थी, 2006 में कंपनी लिस्ट हुई थी। सो दोस्त देख सकते हो वहाँ से भी लोगों ने कितना पैनिक झेला हुआ है। देख सकते हो दोस्तों ये माइक्रो कैप कंपनी है, ऐसी गिरावट दिखा दी। देख सकते हो यहाँ पे 70% का गिरावट है। जिसने ये सारी चीज़ें झेल लिया वो आगे तक टिक पाता है दोस्तों, ऐसी गिरावट में पेशेंस दिखाना होता है। देख सकते हो 70% माइनस में कंपनी, यहाँ से देख सकते हो इतना पैनिक जिन्होंने झेला है उनको ही ये रिवॉर्ड मिले हैं दोस्तों। तो ये ऐसी गिरावट दिखाते रहती है दोस्तों, माइक्रो कैप कंपनी में ऐसी गिरावट आती रहती है जो कि कभी भी आती है। यहाँ भी देख सकते हो दोस्तों आप 50% की गिरावट, सोचने वाली बात है दोस्तों 50% गिरावट। जिन्होंने 1 लाख लगा दिया उनका तो पूरा 50,000 ही माइनस हो जाएगा ना। सो देख सकते हो इस तरह की गिरावट ये कंपनी दिखाती है। तो टालब्रोस कंपनी रिस्की है दोस्तों, आपको अगर इसके बारे में सोचना है तो आप स्टडी कीजिए, जितना ज़्यादा स्टडी करोगे उतना अच्छा है। कंपनी की वेबसाइट देखिए, BSE NSE में जाके देखिए कि कंपनी का बैलेंस शीट
क्लाइंट कौन है कंपनी का, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह का दिखाया हुआ है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे 586 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, 1000 करोड़ भी नहीं है। सोच सकते हो कितनी कितनी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। तो 586 करोड़ की कंपनी है ये। अगर हम बात करें कंपनी का हाई और लो का, तो देख सकते हो यहाँ पे 658 का हाई है और 254 का लो है। देख सकते हो दोस्तों दोनों में गैप कितना है। सो दोस्तों मैं तो यही बोलना चाहूँगा कंपनी रिस्की है, बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है इसमें, तो रिस्की फैक्टर है। सो देख सकते हो हमारे थर्ड स्टॉक के बारे में, क्या नाम है कंपनी का, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड FCL। कंपनी ने 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया हुआ है, 87% का रिटर्न दिया हुआ है 6 मंथ में। 1 जनवरी से अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से 94% का रिटर्न दिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली पैसा डबल हो चुका है। अगर हम बात करें 1 साल में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो 1 साल में देख सकते हो 171% का कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम बात करें 5 साल में कंपनी ने क्या रिटर्न दिया हुआ है, तो 5 साल में देख सकते हो 8.28% का रिटर्न दिया हुआ है। दोस्तों ये भी रिटर्न ऐसे नहीं मिले हैं दोस्तों, ये भी रिटर्न देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट, ये गिरावट देख सकते हो और यहाँ से फिर ऊपर गया है। जिन्होंने यहाँ पे पेशेंस दिखाया ना दोस्तों, उनको ये रिवॉर्ड मिला है, वो लोग इस रिवॉर्ड के हकदार है दोस्तों। कंपनी ने यहाँ पे कितना गिरावट दिखाई है देख सकते हो, हम लगा लेते हैं थोड़ा सा 80%, ये तो रफली मैं बोल रहा हूँ, ये तो ज़्यादा ही होगा 90%, 95% ऐसा कंपनी गिरता है दोस्तों, माइक्रो कैप कंपनी। ऐसी गिरावट में दोस्तों बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर छोड़कर भाग जाते हैं, और जिन्हों जो यहाँ पे पेशेंस दिखाता है ना, वही अच्छे रिवॉर्ड कमाता है दोस्तों। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि माइक्रो कैप में रिस्क कितना रहता है। ये क्या है दोस्तों, 81%, ये रिस्की है ना। अगर किसी ने 1 लाख लगाया है, मैं 1 लाख का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप समझ लेना, जिन्होंने 1 लाख लगाया उनका 80% अगर डूब गया तो समझ लो उसके पास में क्या बचेगा, 10,000, 20,000 क्या बचेगा दोस्तों। 95% कंपनी डूब जाती है, ये होता है दोस्तों माइक्रो कैप में। सो ये यहाँ पे इन्वेस्ट करना मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना होता है और रिस्की रहता है दोस्तों। हमें जो रद्दी का पैसा मिलता है ना, हम जो घर पे न्यूज़पेपर बेच के जो पैसे जमा करते हैं ना, न्यूज़पेपर बेचते हैं उसके पैसे जमा करते हैं, उन पैसों से ये स्टॉक लेना होता है जो दोस्तों, जो कि पैसा डूब भी जाए तो हमें उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली वॉर वगैरह कुछ ऐसी सिचुएशन थी। सो देख सकते हो 18% यहाँ पे भी गिरा था। देख सकते हो मैक्सिमम टाइम पे रिटर्न कंपनी ने कितना दिया है, ऑल टाइम में 1031% का रिटर्न दिया है। सो ये माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, इसमें गिरावट भी होती रहती है, रिवॉर्ड भी मिलता है, पर मैंने कुछ अच्छी कंपनी आपको बताया है कि जो कि फ्यूचर में हो सकता है इनका अच्छा बिजनेस चल सके। मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ कि इनका बिजनेस ही चलेगा करके, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका रिसर्च करना ज़रूरी है। रिसर्च करने के बाद में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। मैंने तो आपको ये स्टॉक बताया एक ओवरव्यू के लिए, आगे इसकी स्टडी आपको करना है। इस कंपनी ने हाई और लो देख सकते हो आप कितना लगाया हुआ है, 283 और 93 रुपीज़ का लो है। सो देख सकते हो दोस्तों गैप कितना है, गैप से समझ में आ रहा है दोस्तों कंपनी में कितना वॉलेटिलिटी रहता होगा। मार्केट कैप देख सकते हो आप, मार्केट कैप 2000-3000 करोड़ का हम मार्केट कैप समझेंगे दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली। सो देख सकते हो यहाँ पे मार्केट कैप भी कंपनी का बहुत ही कम है। सो माइक्रो कैप स्मॉल कैप में ये कंपनी आती है। सो दोस्तों इस कंपनी के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, आपको इनके क्लाइंट देखना है, इनकी वेबसाइट जाके चेक करना है। ये कंपनी की सारी स्टडी करने के बाद में ही दोस्तों आपको समझ में आएगा, कंपनी का बिजनेस देखना होगा, बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा। सो ये चीज़ें देख के आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट में है या वॉलेटिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएगी। सो आप प्रॉपर स्टडी कीजिए इसके बारे में। मैं आपको कोई ऐसा रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ कि कल जाके खरीदो, ऐसा रिकमेंड नहीं है कि इसको बाय करो सेल करो, ये आपके ऊपर है। मैं तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंपनी कैसी है। सो हम देखते हैं हमारा फोर्थ स्टॉक, हमारा फोर्थ स्टॉक का नाम है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि NSE में KPIT टेक के नाम से लिस्टेड है। 560 रुपये का इसका प्राइस है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से चेंज होते रहता है। पी रेशो देख सकते हो 50 का पी रेशो है, डिविडेंड ईयर देख सकते हो 0.56 का डिविडेंड ईयर है। हाई और लो देख सकते हो दोस्तों, 801 का हाई और लो देख सकते हो, 300 रुपये का लो है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है कंपनी के गैप में। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि कंपनी में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कंपनी बहुत ही अच्छे से गिरावट दिखाती है, ये हमें इसमें समझ में आता है। सो देख लेते हैं कंपनी के बारे में, हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं चार्ट पैटर्न से। इस स्टॉक को हम अच्छा मान सकते हैं क्योंकि इस स्टॉक का मार्केट कैप थोड़ा अच्छा है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पर मैं रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। सो देख लेते हैं कंपनी ने 1 महीने में कितना प्रॉफिट दिया है, 1 महीने में 4% का प्रॉफिट दिया है, 6 महीने में कितना दिया है, 6 महीने में 2% का रिटर्न दिया हुआ है, 2.5% का पकड़ लेंगे अप्रॉक्सीमेटली। 1 साल में कितना दिया हुआ है, 1 जनवरी से कितना दिया हुआ है देख सकते हो, -8% का रिटर्न है। 1 साल में कंपनी ने 76% का रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कंपनी 5 साल में कितना रिटर्न दिया हुआ है, कंपनी ने 5 साल में पूरा चेंज ही कर दिया है पूरा चार्ट पैटर्न, देख सकते हो आप
411% का रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने, देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। सो मैक्सिमम टाइम में हम बात करें तो कंपनी 2019 में ही लिस्ट हुई थी, सभी को पता है 26 अप्रैल 2019 से कंपनी ने 411% का रिटर्न दिया हुआ है, देख सकते हो आप काफ़ी रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने। कंपनी के साइज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, कंपनी का जो भी साइज़ है स्मॉल कैप में आता है, तो सोच सकते हो दोस्तों माइक्रो कैप भी, माइक्रो कैप स्मॉल कैप इस तरीके से रिटर्न देता है और गिरावट भी ऐसी ही देता है दोस्तों। अगर ये 400% के रिटर्न दे सकता है तो दोस्तों सोच सकते हो आप, देख सकते हो यहाँ पे -23% का गिरावट दिखाया हुआ था, अगर एक साल में इतना रिटर्न दे सकता है तो इतनी गिरावट भी दे सकता है दोस्तों। यहाँ पे आपका पेशेंस रहना चाहिए, अगर आपने पेशेंस दिखा दिया आप टिक गए यहाँ पे तो आपको भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं दोस्तों। सो अगर हम बात करें, मैंने जितने भी स्टॉक आपको बताया तो सभी के बारे में एक बार स्टडी करना है, प्रॉपर स्टडी करो दोस्तों, जो कि आपको ऐसा लगे ही ना कि अगर किसी ने भी ये स्टॉक पूछ लिया तो आपने बताना चाहिए खुद होके, इस तरीके से इस स्टॉक की स्टडी करो दोस्तों। इसका बैलेंस शीट चेक करो, बैलेंस शीट मनी कंट्रोल में आता है, स्क्रीनर में आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हो इसमें, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, और जितने भी स्टॉक मैंने बताया सभी रिस्क है, रिस्की है। सो सभी को प्रॉपर स्टडी करो और पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने के पहले इसके बारे में 100 बार सोचो। मैंने ये स्टॉक आपके सामने रखा हो, आप इनके बारे में स्टडी करके आप देख सकते हो। सो मैं दोस्तों आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ सबसे पहले कि इसे खरीदने के पहले आप 10 बार सोचो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके इसे खरीदे, बाय करो, सेल करो, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ। सो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक में आने वाले टाइम पे और भी लेके आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक करके मोटिवेशन बढ़ेगा, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।